फ्रेंड, तो हम लोग जा रहे हैं आज सरसों का खेत भरने के लिए। यहाँ पर डीजल किए हुए हैं, तो आगे की ओर है वहाँ पे, हम आपको लेके चल रहे हैं वहाँ पर, पूरा दिखाएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं इस बगीचे को, सीता की बारी के नाम से मशहूर है ये बगीचा। तो यहाँ का लोकेशन देख लीजिए फ्रेंड। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले के उरैया ताल के नाम में, वहाँ पर जा कर के हम सरसों का खेत पानी से भरेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे, यहाँ का अभी एक रोड यहाँ पर बयाओं की तरफ चली गई है, दूसरा सीधे चली गई है और तीसरा बाएं की तरफ गई है, जो कि हम लोग यहाँ पर बाएं तरफ मुड़ेंगे। आगे चल कर के वो जो महुआ का वृक्ष है, वहाँ से हम लोग बाएं की तरफ कच्ची रोड पकड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर हम लोग जाएंगे। तो वहाँ नदी का पानी है, तो अभी नदी में पानी भी सूखने वाला है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे, जल्दी से भर लेंगे और सूख भी जाएगा जल्दी से। तो आप सब बने रहिएगा गाइस। तो हम लोग ठेला लेकर के उस पर डीजल इंजन लाद करके हम लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ पर एक डीजल वहाँ पर पहले से ही लगी हुई है, जो कि वहाँ पर भराई हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग पाइप बिछा रहे हैं, यहाँ पर इतनी दूर से पाइप बिछा करके हम लोग आए हैं। वहाँ पर वो सामने डीजल लगा हुआ है, वहाँ पर वहाँ से पाइप बिछाते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब इसके बाद हम आगे की ओर पाइप बिछाएंगे खेत की तरफ, वो जो सादा खेत दिख रहा है ओरे वाला, उसी में पाइप बिछ चुकी है, पूरी पाइप खेत में बिछ चुकी है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कहाँ से पाइप बिछाते हुए हम लोग इतनी दूरी से आए हैं, और बगल में खेत पानी से भर गया है, नहीं तो हम लोग ये सीधा इसी खेत में से भरते पाइप को बिछा करके। तो डीजल वहाँ पे लगी हुई है, तो हम यहीं से जा रहे हैं। यहाँ भी पाइप का एक जोड़ है यहीं पे, उसके बाद अब आगे की ओर कोई जोड़ नहीं है यहाँ पे। ये भी बगल का खेत जो है, ये भी भरा जा रहा है। वहाँ पे दो डीजल बैठे हुए, एक मेरा डीजल है और एक बगल का डीजल है यहाँ पे, डीजल इंजन। वहाँ पे बाल्टी से पानी डीजल में डाला जा रहा है। तो ये उरैया ताल का ये बछड़िया बीर है, बछड़िया बीर नाम के स्थान का ये जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी बच्ची भी यहाँ पर आई है हम लोगों के साथ काम करने के लिए। यहाँ पे अब डीजल में पानी डाला जाएगा, इसके बाद अब पानी डाल चुके हैं, अब इसके बाद इंजन को स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, नहीं हुआ, हो गया इंजन, पानी थोड़ा छोड़ दिया है उसको, उसके बाद फिर से चालू किया जाएगा। यहाँ पर फिर से चालू करके उसके बाद पानी जाने लगा है अब खेतों की तरफ। मैं लेके चलता हूँ अब खेतों की तरफ। अब यहाँ पे अब इसको धीरे धीरे करके मैं खेतों की तरफ लेके चलूँगा जल्दी से, ताकि पानी वहाँ निकलते वक्त मैं आपको दिखा सकूँ पानी कैसे निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी पहुँच चुका है, खेत के एकदम किनारे पर आ रहा है। अब यहाँ पर पानी निकलना प्रारंभ हो गया। तो गाइस, यहाँ पर ये ऊसर ज़मीन है, यहाँ पर कूस ऊस है, इसीलिए यहाँ पे सरसों का पेड़ नहीं जमा है, नमी जल्दी सूख लिया था। उधर आगे की तरफ देखिए, वहाँ पर नमी उधर सही था, इधर थोड़ा ऊंचा है, हम लोग मिट्टी निकाल करके बाहर फेंके थे तो थोड़ा ऊंचा है, तो इसलिए नहीं। फिर से सरसों छीट करके इसमें बो दिया जाएगा। तो हमारा सपोर्ट करेगा इस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, और हम लोगों का सपोर्ट करेगा इस कि किसान हम लोग कैसे करते हैं किसानी। अब देखिएगा, यहाँ पर खेत होने ही वाला है, तो अब डीजल को बंद करके हम लोग मशीन को, इंजन को उपारेंगे, उसके बाद
ठेला पर लाद करके घर को जाएंगे। अब पाइप को हम लोग मोड़ेंगे, मशीन को बंद करके पानी रेंगते हुए हो जाएगा। तो पाइप और इंजन को हम लोग ठेला पर लाद चुके हैं और पाइप मोड़ते मोड़ते रात भी हो गई है शाम की। तो अलाव जला करके हम लोग ताप रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों का सपोर्ट करेगा गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।